ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था यूआरएल एलियास, जिसमें हम लोगों ने पाथ ऑटो के थ्रू अपने पैटर्न सेट करवाए थे कि या हम जैसा चाहें वैसा यूआरएल अपनी वेबसाइट में ड्रुपल में वैसा यूआरएल हम बनाएं। लेकिन दोस्तों उसमें एक इशू ये है कि आप बनाएं, बेफिक्र बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने अपना कंटेंट पब्लिश किया है तो वो जाहिर सी बात है कि गूगल में या एसईओ में सबमिट हुआ होगा। तो दोस्तों यदि आपने कोई पैटर्न चेंज किया है, अपने मतलब यूआरएल चेंज किया है, तो आपने जो चेंज कर दिया है वो जो नया बन गया, लेकिन जो ओल्ड यूआरएल, अगर आपका ओल्ड यूआरएल एसईओ या गूगल में सबमिट है इस तरीके से, तो यूज़र उसको हिट करेगा तो उसको 404 की प्रॉब्लम आएगी कि पेज नॉट फाउंड। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम से दूर होना है तो आपको चाहिए कि आप जब भी यूआरएल क्रिएट करें तो जो आपका ओल्ड यूआरएल है वो भी यूज़र हिट करे तो आपके नए यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे रिडायरेक्ट, जो कि आपको ड्रुपल की वेबसाइट पे मिलेगा, project/redirect। उसको आप डाउनलोड कर लें और अपनी मॉड्यूल वाली डायरेक्टरी में पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट में चलते हैं, एक बार देख लेते हैं वो पैटर्न क्या चीज़ थे, एक बार एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा यूआरएल एलियास और इसमें था ये पैटर्न, और हमने पैटर्न यूज़ किया था आर्टिकल के लिए। अब दोस्तों अगर मैं इसको माई आर्टिकल कर देता हूँ और अपना यूआरएल मैंने चेंज कर दिया, अब हम अपने जाएंगे कंटेंट में जहाँ हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस जो आर्टिकल है इसका जो यूआरएल है वो ये बना आर्टिकल्स, ठीक है। और क्योंकि हमने आर्टिकल्स का यूआरएल अब चेंज कर दिया है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको अपडेट कराने की, तो अपडेट यूआरएल एलियास का पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका यूआरएल अब बदल गया, अब आ जाएगा माई आर्टिकल्स। तो अब जो हमारा पुराना वाला आर्टिकल था का जो यूआरएल था वो तो आर्टिकल था, अब हम यूज़र इसको अगर हिट करेगा तो ये पेज नॉट फाउंड बताएगा। दोस्तों इस इशू को दूर करने के लिए हम अपने मॉड्यूल में जाएंगे, जो हमने मॉड्यूल डाउनलोड किया रीडायरेक्ट, उसको इनेबल करेंगे, ये रहा, सेव करेंगे। तो दोस्तों ये क्या करेगा, जब भी आप कोई नया यूआरएल बनाएंगे तो ये ओल्ड यूआरएल को नए यूआरएल पे रिडायरेक्ट कराएगा। अब ओल्ड यूआरएल किस बिहाव पे रहेगा, ओल्ड यूआरएल उस बिहाव पे रहेगा कि वो आपकी सिस्टम की नोड और उसकी आईडी, जो सिस्टम का जो यूआरएल होता है उससे वो आपके नए हुए बनाए हुए यूआरएल पे, वो जब भी आपके सिस्टम पे कोई यूज़र आपके पेज पे हिट मारेगा तो वो उसको आप पे आपके बनाए हुए नए यूआरएल पे कवर कर देगा। अब देखते हैं ये काम किया कि नहीं किया। दोस्तों हमने केवल एक आर्टिकल अपडेट किया था, अब हम इसका यूआरएल देख लेते हैं कि इसका यूआरएल क्या था। इसका यूआरएल था, सेकंड वाले आर्टिकल का यूआरएल था आर्टिकल्स, ठीक। अब हम जाते हैं सेकंड वाले आर्टिकल को और इसको अपडेट मार देते हैं। अब जो हमारा सेकंड वाला यूआरएल था उसका आर्टिकल का जो लिंक है, यूआरएल है, देखिए चेंज हो गया, माई आर्टिकल्स हो गया। लेकिन अब
अब गौर कीजिएगा, माई आर्टिकल्स हो गया। अब अगर हम पुराना वाला यूआरएल जिसमें आर्टिकल था केवल, उसको हिट करते हैं, तो देखिए रीडायरेक्ट हो गया। अब आर्टिकल आपके नए वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो गया। एक बार फिर देखिए, रिडायरेक्ट हो रहा है। एडिट पे जाइए और अधिक जानकारी के लिए। जब एडिट पे आप नीचे जाएंगे तो इस मेनू पे लेफ्ट में आपको ये यूआरएल रिडायरेक्ट मिलेगा, जो कि ये बता रहा है कि आप इस ओल्ड यूआरएल से ये नए यूआरएल पे आपने ये इससे इस पे गया। ठीक है, तो ये था कि अगर हम अपने नए पैटर्न से को यूआरएल सेट करें और हमारा नॉट पेज नॉट फाउंड की जो एरर है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ड्रुपल वेबसाइट डेवलपमेंट के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।